नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 पाठ 11 सवैये कवि रसखान के चौथे सवैये को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। कल हमने सवैया 2 और 3 पढ़े थे। सवैये 2 का मूल भाव कवि ने यह बताया था कि अपने प्रभु के साधारण चीजों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वह कृष्ण के रूप को हर समय देखना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरे तीसरे वाले सवैये में सब कुछ करने को तैयार है, यहाँ पर गोपियां, ये गोपियों का प्रेम है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व को खोकर कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहती है। उनका इतना प्रेम है कि वह अपने व्यक्तित्व को भी भूलकर कृष्ण जी की वेशभूषा को अपनाने के लिए भी तैयार है, ताकि वह कृष्ण जी के दर्शन कर सके। तो दोनों सवैया में जो है वो कृष्ण भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सवैया 4, उसकी काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। का नहीं दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाइए। यहाँ का नहीं मतलब कानों में, दय देकर, अंगूरी मतलब उंगली, रहिबो रख लूंगी, जब ही, जब मुरली बांसुरी के लिए, धुनी धुन मंद धीमा या धीरे, बजही मतलब बजना। तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहन मतलब मोहित करने वाला है, तथा उनकी मुरली की तान वो और अधिक मोहित करने वाले। तो दोनों से गोपियां बचना चाहती हैं और उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा है काम, ना तो वो कृष्ण जी के रूप को देखना चाहती है, उनके चेहरे को नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चेहरा देखती है तो उनकी ओर आकर्षित होने लग जाती है, और ना ही उनकी जो मधुर तान है वो कानों में सुनना चाहती है, क्योंकि उससे भी आकर्षित हो जाती हैं वो और अपने भी नियंत्रण खो देती हैं। तो इसलिए वो दोनों काम जो हैं उन दोनों को करने में वो असमर्थ हो रही है, कठिन हो रहा है उनके लिए करना और बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। तो इसलिए वो कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है, मजबूर हो जाती है, क्योंकि जब उनका अपने पे नियंत्रण ही खत्म हो जाता है। तो रसखान जी के अनुसार एक गोपी कहती है, का नहीं दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद मंद बजाए। जब कृष्ण जी मंद मंद धीरे धीरे बंसी बजाते हैं, अपनी मधुर तान को शुरू करते हैं, तब मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही कि जब श्री किशन जी अपनी मधुर तान बांसुरी द्वारा बजाते हैं, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लेती हूँ, ताकि वो मेरे कानों में ही ना पड़े और मेरा ध्यान जो है भटके ही ना, उस ओर आकर्षित ही ना हो। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गाय तो गाय। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मोहनी आकर्षित करने वाली, खींचने वाली अपनी ओर, तानन तानों से, रसखानी या रसखान कवि जी के लिए आया है, अटा अटारी छप्पर छत, गोधन गाय, गाहे तो गाय मतलब गाते हैं तो गाय। तो यहां पर रसखान जी के माध्यम से गोपी कहती है कि जब श्री किशन जी अटारी पर चढ़कर, छप्पर पर चढ़कर दूर वन में घूमती हुई गायें को
को मोहनी तान सुनाते हैं। तब भी उस धुन को मैं अनसुना कर दूंगी, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। ये अपने ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है गोपी। उसका जो मन है, मन तन से तो वो श्री कृष्ण जी की हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वह हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने पे नियंत्रण करेंगे, लेकिन वो नियंत्रण तो होता ही नहीं है। तो वो दूर वन में भी जो आवाज, जो उनकी तान है मधुर, वो गाँव गाय के लिए जो बजाते हैं मधुर तान कहते, उससे भी नहीं सुनूंगी, उससे भी मैं अनदेखा कर दूंगी। अगली पंक्तियों में रसखान जी क्या कहते हैं, तेरी कहो सीकरे ब्रज लोगन ही कलही को कितनो समझायो है। तेरी मीन्स होता है पुकारना, सिगरे मतलब सभी, कल ही कल को, कोहो कोई, समझू मतलब समझाए। अब यहां पर गोपी कहती है सभी ब्रज के लोग को पुकार पुकार के कह रही हूं, कल को कोई मुझे उल्हाना ना देना। और वो ये भी कह रही है कि लोगों ने मुझे बहुत समझा भी दिया, लेकिन मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा। चाहे कोई मुझे कितना भी रोक ले, मैं नहीं रुकूंगी। इन पंक्तियों के द्वारा वो यह बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे ब्रज के लोग मुझे जितना भी समझा लें, जितने भी उलहाने दे दें, मैं सबको पुकार पुकार के कह रही हूँ, मैं रुके नहीं रुकूंगी। मैं तो अपने श्री कृष्ण जी के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो दिन भर दिन जो है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरा इस पर अपना नियंत्रण नहीं। और आगे माँ को भी कहते हैं कैसे, मायरी वह मुख की मुस्कानी समरी ना जाए जाए। मायरी माँ के लिए प्रयोग हुआ है, मुख चेहरा, मुस्कानी मुस्कान, संभरी मतलब संभाले, जाए ना जाए नहीं जाती। यहां गोपी माँ को कहती है, हे माँ, माँ को संबोधित कर रही है, तुम भी इस बात को जान लो, समझ लो, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। कल को तुम मुझे दोषी बना दो, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैंने तो कानों में उंगली भी डाली ताकि मैं कृष्ण जी की मधुर तान को ना सुनूं। आगे गोपी माँ से कहती है, मुख की मुस्काने संभारे न जाए न जाए। श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान या कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती, बल्कि खुद पर नियंत्रण ही हो बैठती हूं, बेवस हो जाती हूं। उनके प्रेम में अब रहा नहीं जाता, वह स्वयं को विवश महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से गोपी ने बहुत कोशिश करी, उसने कानों में उंगली भी डाली, उसने अनसुना भी किया आवाज को, उसने लोगों की बातों को भी नहीं सुना, और उसे ये भी चिंता थी कि लोग उलाहने भी देंगे, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। और अंत में माँ को कहती है, तुम भी जान लो, इतनी मनमोहक मुस्कान है, इतनी मनमोहक उनकी तान है, जो संभाले मुझसे नहीं संभल। भाव क्या होगा इन पंक्तियों में, प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया गया, मतलब इतनी प्रभावित है। और साथ में गोपियों ने अपना खुद पर नियंत्रण खोने की बात भी की, इस ओर संकेत भी दिया है। इसकी काव्य पंक्तियां इस प्रकार होंगी, रस में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है,
भाषा सरस मधुर और कोमल है। अनुप्रास अलंकार का इन शब्दों में प्रयोग किया गया है, जैसे मोहनी तानन गोदन गाए न गाए, कलही को कितनी मुक्की मुस्कान। इन शब्दों में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ना जाए की आवृत्ति से गोपी की मनह स्थिति का भी चित्रण किया गया है। वो कह रही है ना जाए मतलब नहीं संभाले जा रही, तो यहाँ पर उनकी मन स्थिति का भी वर्णन किया गया है। कानों में उंगली देने की जो बिंब योजना है वो भी काफी प्रभावशाली है। मुझे आशा है कि आपको सवैया समझ में आया होगा, इसके चारों पद आपको समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।